सबको विद्वान वक्ताओं ने अपने सार गर्भित वक्तव्य से ओतप्रोत कर दिया है। मैं अपनी बात केवल 3 मिनट में खत्म समाप्त करूंगा। ओजस्वी संचालक महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपनी बात 2 मिनट पहले ही समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आपके मानवाधिकार के ऊपर भी मुझे ध्यान रखना चाहिए कि आपको बंधक बना के ना बैठ जाऊँ, क्योंकि अभी मुझसे पूर्व स्वामी दीपाकर जी ने कहा था कि हमारे आज़ाद भारत में आप थाने में जब जाते हैं तो पीपल के पत्ते की तरह काटते हैं। अरे थाना तो खुदा भी नहीं, भूत भी थाने नहीं जाते। जब तक आदमी शमशान और थाना तब जाता है जब बिल्कुल मरणासन्न हो जाता है, अन्यथा कोई थाना और शमशान नहीं जाता है। इसी तरह जय श्री राम, अगर आज हम यहाँ नहीं कहेंगे, अयोध्या में नहीं कहेंगे, भारत में नहीं कहेंगे, तो क्या लाहौर में कहेंगे, रावलपिंडी में कहेंगे? जय श्री राम। अरे जरा ऊर्जा ले आइए अपने कंठ में श्रीमान जी, जय श्री राम। मैं देखे समाधान देता हूं। माननीय इंद्रेश जी ने एक गणित के इक्वेशन की तरह भली भांति समझा दिया इसका समाधान क्या है। हमारे यहाँ वसीम रिजवी साहब की भी है, हमारे यहाँ शब्बीर साहब भी हैं, हमारे यहाँ कविता कौमदी राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है, और उसमें वो कृष्ण भक्त थे मुसलमान। हाँ साहब, कृष्ण भक्त थे। तो लोग एक मुशायरे में गए तो उन्होंने कहा, आप बहुत कृष्ण कृष्ण करते हैं, जरा इस्लाम के ऊपर बोलिए। तो उन्होंने कहा, लाम के मानिंद है केसु मेरे घनश्याम के, काफिर है वो जो आशिक नहीं इस्लाम के। उन्होंने कहा कृष्ण भगवान के जो लाम काफिर है वो जो आशिक नहीं इस्लाम के। मस्जिद की बात करते हैं, हमारे पूज्य देवरा बाबा जो कि इस पूरे संगठन के गंगोत्री हैं, उनसे एक मुसलमान नवाब साहब ने कहा, हम लोग बड़ा भयाक्रांत हैं। क्यों बच्चा, क्यों भयाक्रांत हो? देवरा बाबा ने पूछा, मेरे सामने की बात है, उनका हम लोग डर रहे हैं कि मुसलमानों का क्या कहते। मैं भी तो देवरा, मैं खुद तो मुसलमान हूँ। मुसलमान कौन? जो मुसलसल ईमानदार हो। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं हुजूर को भगवान मानता हूँ। तू तो हुजूर को सिर्फ पैगंबर मानता है, मैं हुजूर को भगवान मानता हूँ। ये देवरा बाबा कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मस्जिद तो बना ली, गौर से सुनिएगा, मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों में, पर दिल है पुराना पापी, बरसों से नमाजी ना हो सका। मस्जिद बना लेना एक चीज है, नमाजी होना बिल्कुल दूसरी बात है। और जो लोग ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, नमाजी है वसीम रिजवी साहब, नमाजी है शब्बीर साहब, नमाजी है वो खा साहब, और नमाजी हम सब लोग अपने को मानते हैं। हम तो हुजूर को, हुजूर तो इतने दया वाले थे कि उनकी बिल्ली अगर सो रही थी नमाज के वक्त तो हुजूर ने अपने कपड़े को काट करके और आगे बढ़े थे। हुजूर के दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं थी, और उन हुजूर के आगे हम इन जिहादियों को उनको मौका दे रहे हैं कि इसमें आंदोलन करें। अरे राम जन्मभूमि अगर अयोध्या में नहीं बनेगी तो स्वामी जी ने जैसा कहा तो कहाँ बनेगी? रावलपिंडी में बनेगी, कहाँ बनेगी वो, ये सोचने वाला विषय। राम जन्मभूमि अयोध्या में बनेगी, और केवल हमारी नहीं होगी, वो हमारे मुसलमान भाइयों की होगी, वो हम सब की होगी, वो हम सब की होगी। अयोध्या का मैं नज़दीक का रहने वाला हूँ। आज अगर हमारे मुसलमान भाई माला फूल पूजा सामग्री बंद है, कल पूजा बंद हो जाएगी, क्योंकि सारी पूजा की सामग्री भगवान राम और राम दरबार के हमारे मुसलमान भाई बनाते हैं। सारे खड़ाव केनवे वस्त्र मुसलमान भाई बनाते हैं, उनके माध्यम से आपके पूज्य दर्शन पहुंचता है। मैं उनको कर्मयोगी मानता हूं, क्योंकि वो लोग हैं जब कहते हैं कि मैं वजू करके ये काम करता हूं, जरा गौर से सुने, वजू करके ये इंतजाम करता हूं। मोरे मन में बसे राम गोपाल मोहम्मद रफी साहब जब गा रहे थे तो वजू करके सब लोग आए थे, नौशाद साहब आए थे, सब मुसलमान थे, सब वजू करके पाकीज़ा होकर के पवित्र होकर के आए थे। तब वो उन्होंने वो भजन गाया जिसकी आज कोई मिसाल नहीं। हम उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम जिहादियों की बात नहीं कर रहे। जिहादियों का जवाब देने के लिए मैं अकेले काफी हूँ। युवा वर्ग से मैं कहूँगा, जब सिंहों की राज्यसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, जब सिंहों की राज्यसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुख के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। जब जब जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है तब सरकों से लिपटा चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली हत्यारी लगने लगती है, जब माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, जब अपने सिक्के खोटे हो, गौर से सुनिएगा, जब अपने सिक्के खोटे हो तो गैरों की बनाती है। इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। होशियार को इशारा काफी है। आप सबको साधुवाद, जय श्री राम।